नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। एक बड़ा बैंक है, एक बड़ा प्राइवेट बैंक है और स्टॉक प्राइस 1600 के ऊपर कारोबार कर रहा है। बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में होगा HDFC बैंक का स्टॉक। तो स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत तेजी तो आई है पिछले कुछ महीनों में और मर्जर की खबर भी है दोस्तों। इसमें HDFC लिमिटेड का जो मर्ज होना है HDFC बैंक लिमिटेड में होना है, तो उसके लिए क्या है कि अप्रूवल लिए जा रहे हैं। और अभी जो अपडेट आया है बैंक की तरफ से तो उसकी बात करते हैं और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे और ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या कहा है, टारगेट्स क्या हैं, तो उसकी भी बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि स्टॉक प्राइस 1600 के ऊपर कारोबार कर रहा है तो बैंक की तरफ से जो अपडेट है, अब तो बैंक की तरफ से जो अपडेट आया है, जॉइंट कंपनी स्कीम पिटिशन हैज़ बीन ई फाइल्ड इट ऑन December 7, 2022 विथ NCLT। NCLT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अप्रूवल आगे आने वाले समय में हो जाएगा, तो अप्रूवल के लिए NCLT के पास है अभी। और मर्जर का जो मर्जर होना है HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में, तो लगातार एक तरह से अप्रूवल मिलते जा रहे हैं HDFC बैंक लिमिटेड को दोस्तों। तो ये अपडेट आया है और शेयर प्राइस 1614 के आसपास है। अगर हम इसका मार्केट कैप की बात करते हैं और HDFC बैंक का मार्केट कैप है 9,01,236 करोड़ का है 8 दिसंबर 2022 को। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 444 का। बुक वैल्यू पर शेयर है 444 का और अर्निंग पर शेयर है 74 का। डिविडेंड यील्ड 0.96 का है दोस्तों। तो ये मार्केट कैप है। अगर हम फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, देखिए लास्ट क्वार्टर में जो HDFC बैंक का इंटरेस्ट अर्न था 40,929 करोड़ का था। टोटल इनकम 49,182 करोड़ का था। 11,162 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो शानदार नतीजे आए थे और 15 से 20% की ग्रोथ रहती है HDFC बैंक में दोस्तों। और ग्रॉस एनपेज नेट एनपेज की बात करते हैं तो 1.23 का ग्रॉस एनपेज था, नेट एनपेज 0.33 का। एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा था दोस्तों। ये HDFC बैंक के फाइनेंशियल नंबर थे। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हो तो 3 साल का रिटर्न कम है, ये 29% का रिटर्न है। एक रेंज में घूम रहा है HDFC बैंक का स्टॉक। और 1 साल का रिटर्न 4.06% का है। 3 महीने का रिटर्न 7.97% का है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं HDFC बैंक लिमिटेड का। और देखिए 1617 में ये कारोबार कर रहा है 8 दिसंबर 2022 को। और स्टॉक में एक तेज़ी बनी है और ये तेज़ी बनी है 1375 में इसका स्टॉक प्राइस था नीचे के लेवल पे 30 सितंबर 2022 को। और स्टॉक में देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो पिछले 3-4 महीने में स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। और 1617 में जो टॉप किया इसने, देखिए ये इस कैंडल का अगर हम टॉप देखें 1642, तो ये रेजिस्टेंस है 1642 के ऊपर। जिस दिन ये क्लोज हो गया तो मान के चलिए 1700 के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा। अभी तो फिलहाल ये कुछ देखिए पिछले कुछ दिनों से ये एक रेंज बनी हुई है नीचे की तरफ 1580 और ऊपर की तरफ 1640, इसके पीछे घूम रहा है दोस्तों। तो जिनके पास है स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो एक तरह से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को हमारे अनुसार। और जो मर्जर होना है HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में, तो अब ये देखिए 2-3 महीने के अंदर अगर क्लियर हो जाता है तो बड़ी तेज़ी आ सकती है दोस्तों इसमें। फिर और 1640 के ऊपर का क्लोज होता है तो डेफिनेटली स्टॉक फिर 1700 को क्रॉस करते हुए जो ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स हैं 2000 के, उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। और टेक्निकली एक तरह से देखिए अभी बुलिश मोड बना हुआ है। मार्केट में अगर गिरावट आती है, सपोज मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इसके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए दोस्तों, स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और नेक्स्ट 3 से 6 महीना HDFC बैंक के हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह से बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले दो तीन साल के अंदर। और स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है दोस्तों, ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है। और जिनके पास समय है तो HDFC बैंक को समय देना चाहिए, गिरावट में इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। चार्ट पैटर्न के अनुसार देखें तो देखिए जब भी इसमें एक जंप आया है तो प्रॉफिट बुकिंग आई है पिछले जब भी। देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया था, जो न्यूज आई थी मर्ज होने की तो 1700 के ऊपर चला गया था, उसके बाद देखिए सीधे स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। तो अब देखिए जो खबर आएगी कि सारे अप्रूवल्स हो गए,
बड़ी तेजी आ सकती है दोस्तों। जिनके पास समय है, निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है और जो ट्रेडिंग बेल्ट ले रहे हैं, तो प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस या एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो HDFC बैंक लिमिटेड का ये लेटेस्ट अपडेट है और स्टॉक में नजर रखने चाहिए HDFC बैंक में दोस्तों। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।